परफॉर्मर्स हैं और ये बेस्ट चीज के लिए लड़ने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन टॉप पर जाएगा और इसलिए मैं रिंग साइड पर बैठा हूँ ये देखने के लिए कि मेरा सामना किसके साथ होने वाला है। बाय द वे, हुक को रेस करने वाला शख्स कौन था? उसे किसने रेस किया ये तो आपको पिछले हफ्ते पता चल गया था। वैसे सच ये है कि आप जीते उस मैच को बहुत ही शानदार तरीके से। थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट टेज। योर ओपनिंग कॉन्टेस्ट इज सेट फॉर वन फॉल विद ए 20 मिनट टाइम लिमिट। इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट फ्रॉम एरन्स क्रीक वर्जीनिया वेइंग 229 पाउंड्स हैंगमैन एडम पेज। क्या बात है, आ गए हैं एडम पेज और हैंगमैन एडम पेज ने अपनी दावेदारी पेश की है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ये आपको चैलेंज करना चाहते हैं जो एडम पेज हैं फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन। जरा जलवा तो देखिए इनका। अकड़ मत दिखाओ मुझे। एडम पेज को AEW वर्ल्ड टाइटल मैच तक पहुंचने के लिए खुद को साबित करना होगा और इनके लिए सबसे पहला चैलेंज है आज पेंटा एल सेरो मिएडो के रूप में। जी जी जी, वैसे पेज किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटते, आप ये जानते हैं ना जो? मैं जानता हूं, पर इसे फिलहाल एक चीज की फिक्र होनी चाहिए यानी पेंटा की। वो यहाँ आएगा और इसकी धज्जियां उड़ा देगा। ओके, तो समोआ ने दी है हमें ये बड़ी स्टेटमेंट और अब आएंगे यहाँ पेंटा। And it's important to be accompanied by Alex Abra, Hector from Mexico City, Mexico. Weighing 207 pounds, Penta El Cerro Miedo. अपनी बेहद शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं पेंटा एल सेरो मिएडो। और आज का मुकाबला यकीनन बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है। वाह, क्या अदाएं हैं पेंटा। मैं किसी नाकाबिल शख्स से मुकाबला नहीं करना चाहता और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्या बात है, देखिए लोगों से फैंस से मिलते मिलाते पहुंच गए हैं अब रिंग तक पेंटा एल सेरो मिएडो। ओहो, क्या एंट्री हुई है, वाह जबरदस्त कांटे की टक्कर होगी आज के मैच में यकीनन। देखिए ठीक है, मैं यही सब तो देखना चाहता हूँ टोनी। आज का ये मैच बेहद अहम है AEW वर्ल्ड टाइटल के लिहाज से। पेंटा एल सेरो मिएडो के सामने हैं एडम पेज और यहाँ पे हमारे साथ में है समोआ जो। समोआ पेंटा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और ऑफिशियली मैच शुरू हो गया है। दोनों योद्धा एक दूसरे को आंख रहे हैं फिलहाल। टोनी, आप इनके बारे में कुछ बताइए हमें। इन दोनों के स्टाइल्स बिल्कुल अलग हैं। एडम पेज एक ब्रॉलर हैं, जबकि पेंटा एक हाई फ्लायर हैं। बिल्कुल सही जानकारी मिली हमें। और आप देखिए युद्ध की शुरुआत हो गई है फॉर्मली हाथ मिलाकर। पर्सनल मामला हो गया है दोनों के बीच में। You meaning? Okay. Yeah, let's go, Penta. Come on, Penta. ताकत की आजमाइश। मोमेंटम अभी बनना शुरू नहीं हुआ। क्या बात है, धीरे धीरे माहौल गर्मा रहा। ओ चॉप, आदान प्रदान शुरू। ओ चॉप्स पर चॉप्स पर चॉप्स और अब एल्बो स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हुआ। थ्रस्ट किक मारी एडम पेज को और यहां पे पलटवार थ्रस्ट किक पड़ी पेंटा को और पेंटा ने डॉच किया और स्लिंग ब्लेड। वाह, फिर से स्लिंग ब्लेड। क्या बात है, क्या बात है, एक्शन का ग्राफ एकदम से शूट करके ऊपर गया। ओ, ओ,
क्या बात है, क्या करेंगे अब पेज? फॉलोवे स्लैम। पेज ने दिया शानदार फॉलोवे स्लैम और ये रनिंग शूटिंग स्टार प्रेस कवर, एक दो और किक आउट, ताबड़तोड़ एक्शन, जबरदस्त मूव्स और काउंटर मूव्स मिल रही हैं यहाँ सवाना जॉर्जिया के इस हचाहच भरे अरीना में। ये देखिए, फिर से एक नए मोमेंटम को शुरू करने की कोशिश एडम की और टर्न बकल में सिर दे मारा पेंटा का, और अब किक्स मारते हुए पेंटा को कॉर्नर पे नीचे बैठा दिया है एडम पेज ने। एडम पेज मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, फिर से किक मारी और देखा कातिल निगाहों से समोआ जो को। ये ऐसा नहीं होगा हैंगमैन, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसे बस घूरना ही आता है और कुछ नहीं, ये चैंपियन को दूर से ही घूर कर देखता रहता है बस। एडम ने घूरना बंद करके एक्शन को फिर से शुरू किया है। डॉज और पेंटा अगले मूव को अंजाम देने में कामयाब हुए, शानदार इंप्रोवाइजेशंस। कवर, एक दो किक आउट। उम्मीद नहीं की थी हैंगमैन एडम पेज ने कि पेंटा इतने मूव्स झेलने के बाद इतनी जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे। पेंटा की बारी, ओह क्या चॉप थी। अगली कोशिश, पलटवार चॉप पड़ी पेंटा की छाती पे और पेंटा वापस ले गए और बदला लिया, तुरंत चॉप मारी और ये पलटवार चॉप के रूप में आई और फिर से कॉर्नर पे ले जाके पेंटा ने बदला लिया, चॉप मारी और अब की बार पेंटा अपने मूव को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन चॉप मारने में कामयाब हो गए। वो क्लोज लाइन देना चाहते थे और पलट क्लोज लाइन की कोशिश, दोनों ने कोशिश की क्लोज लाइन की, दोनों कामयाब नहीं हुए, दोनों ने किक्स मारी एक दूसरे को और अब पेंटा ने किक और पलटवार में पेंटा को किक मिली और दोनों ने क्या बात है, क्या मोमेंट है, शानदार काउंटर अटैक्स। इस मैच का ये मेरा अभी तक का फेवरेट मोमेंट है जी। और एक्शन रिंग में जारी है, एक अल्प विराम आया है, दोनों योद्धा फिलहाल रिंग के फ्लोर पर हैं लेकिन मैच जारी है। पेंटाल सरोमिएडो के सामने एडम पेज और पेंटा ने मौका देखकर किक जड़ दी एडम की जॉ लाइन पर। अगली कोशिश उनकी, ये देखिए इसे नाकाम किया कुछ हद तक एडम ने और एप्रन के एज पर भेजकर एक किक देकर रिंग साइड पर पहुंचा दिया पेंटा को और खुद बाहर आए थे लेकिन तब तक पेंटा उन्हें डॉच करके रिंग के अंदर आए और ये हाई फ्लाइंग एक्शन देखिए, क्या एग्जीक्यूशन थी पेंटा की, रोप्स के ऊपर से एक डाइव लगाई और तीर ये कमाल का था। और अब रिंग साइड पर मोमेंटम पेंटा के पक्ष में, देखिए सर क्या बात, क्लीन एग्जीक्यूशन। काउंट जारी है और एडम को रिंग में भेजा है पेंटा ने। अगली बड़ी मूव की कोशिश पेंटाल सरोमिएडो की, रोप्स के ऊपर टॉप रोप से नीचे आए, डबल फुट स्टंप की कोशिश थी जिसे डॉज किया एडम ने और ये डेथ वैली ड्राइवर दे दिया एडम पेज ने जवाब में, कवर किया एक दो और ओ करीबी मामला था बहुत ज्यादा लेकिन किक आउट हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है जो, देखो हमें वो नहीं कहना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो और मेरे साथ ये होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके हाल एडम ने ये किया पेंटा के साथ, पेंटा को अब रिकवरी के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। कॉर्नर पर भेज कर एडम के दो हमले, तीसरा हमला पेंटा पर। लीजिए पंचिस की बौछार, दांतों का इस्तेमाल, माय गॉड
बाइट किया उन्होंने पेंटा के फोरहेड पर। यहां से मामला बहुत पर्सनल होता हुआ नजर आ रहा है। अब पेंटा को दूसरे कॉर्नर पे धकेला, आगे बढ़ रहे थे और उन्हें किक मारी पेंटा ने, और अब फिर थ्रस्ट किक, वाह पेंटा इज ऑन अ मूव, पोजीशन अच्छी थी जी। और अब शानदार मूव कवर, एक दो बहुत करीबी मामला था। फिर से देखिए ये वो शानदार मूव और उसके बाद में कवर और किक आउट। और अब पेंटा यहां से मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने एक खतरनाक अनाउंसमेंट की है। पहले तो वो लोअर बैक को टारगेट कर रहे हैं और ये देखिए हाथ पकड़ के ये सबमिशन मूव देना चाहते हैं, लेकिन एडम पेज रिजिस्ट कर रहे हैं और कामयाब हुए, और एडम पेज ने उठाया और लाइक वाह कवर, एक दो और मैच अभी भी बेनतीजा जारी है क्योंकि तीन से बस जरा सब पहले किक आउट किया पेंटा ने। जैसे ही तीन तक पहुंचने वाले थे और किक आउट हुआ तो मेरे मन में एक लाइन आई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त।